कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नौगांव में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। जानकारी के अनुसार जिले की बिजावर की पिपट चौकी, जहां पर परिजनों द्वारा बताया गया है कि हिंदू बनकर एक मुस्लिम युवक लड़की को अपने साथ ले गया। बेटी के गायब हो जाने के बाद परिजनों ने छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब लव जिहाद के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बिजावर में आंदोलन करते हुए जाम लगाया था और लड़की के परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद और चौरसिया समाज ने एसपी को ज्ञापन भी दिया था, जो कि वह अब पकड़े गए हैं। शादी करने के मकसद से नौगांव तहसील के पास घूम रहे थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दोनों से नौगांव थाने में पूछताछ जारी है। संवाददाता जितेंद्र रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका धर्मेंद्र सिंह परमार। धर्मेंद्र जी, किस संगठन से जुड़े हैं? विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष। क्या मामला हुआ और आप लोगों ने क्या कुछ किया? लव जिहाद का केस है, बिजार का केस है। ये 17 तारीख को लड़की, एक लड़का जो हिंदू नाम से अपने आप को हिंदू बता रहा था, है मुसलमान हकीकत में, वो हमारी हिंदू संगठन की बिटिया को लेके भाग गया था। लड़की गई थी पेपर देने के लिए सागर, वहाँ से इसने अपना नाम हिंदू जताते हुए किसी जाल में फंसाया होगा, वहाँ से लेके फरार हो गया। फिर सूचना मिली संगठन के थ्रू, हम लोगों को पता चला कि नौगांव आए हैं, नौगांव में गतिविधियाँ की पाई गई हैं, तो हम सब लोग एक्टिव हुए, सूचित किया प्रशासन को, प्रशासन के साथ में मिलकर हम लोगों ने पकड़ा। और कहाँ से पकड़ा है? ये तहसील के पास अदालत से निकले, यहीं आसपास तहसील और अदालत के पास घूम रहे थे, तो हम लोगों को शक हुआ तो उन लोगों को पकड़ा। मतलब शादी के उसमें थे क्या? हाँ, शादी के लिए पुलिस, हाँ पुलिस में पकड़ा, पूर्ण मैरिज के चक्कर में थे ये लोग। आप लोगों ने फिर पुलिस को सूचित किया? साथ में थे पुलिस। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग भी काफ़ी संख्या में थी, और दो तीन लोग थे हम लोग, बाकी पुलिस वाले साथ। गुम हो गई है, क्या कार्रवाई इसमें कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस है? एक प्रकरण सामने आया है, इसमें सागर जिले में गुम इंसान की रिपोर्ट भी पंजीबद्ध हुई है और छतरपुर पुलिस के भी संज्ञान में आया है, जिसमें बिजावर पुलिस पिपट की पूरी टीम और पूरे छतरपुर की टीम लगी हुई है, सागर जिले से भी टीम आई है। संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं और संभावना है कि जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। इसमें अभी जो गुम इंसान की कायमी सागर जिले में हुई है, उसमें ये प्रकरण समझ में आया है कि ये एग्ज़ाम के लिए वहाँ गए थे और फिर वहाँ से ये मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट कायम हुई।